परमेश्वर ने बाइबल में हमें सिखाया है कि हमें प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करके हमें परमेश्वर के करीब पहुंचना है। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर से मिलवाती है। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हमें कठिनाइयों से दूर करती है। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे अंदर एक सामर्थ्य पैदा करती है। हमें एक शक्ति का एहसास होता है, हमें एहसास होता है कि नहीं, हम कुछ हैं। प्रार्थना हमें बताती है, प्रार्थना हमारे अंदर एक आनंद पैदा करती है, प्रार्थना परमेश्वर की शांति को हमारे अंदर उड़ेलती है। हालेलुया। प्रार्थना हमें बताती है कि हम पवित्र हैं। प्रार्थना हमें बताती है कि परमेश्वर कौन है। हम उसके बिना नहीं रह सकते, हम उसके बिना नहीं जी सकते। प्रार्थना हमें बताती है कि परमेश्वर की हर योजना हमारे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। हालेलुया। लेकिन कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट आती है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रार्थनाएं रुकावट पैदा करती थी, हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट आती है। हम प्रार्थना करते करते हमारे अंदर शांति महसूस नहीं होती है। हम जो प्रार्थना करते हैं उसमें हमें महसूस होता है कि रुकावट है, कहीं कोई रुकावट आ रही है, कहीं कोई चीज़ हमें रुकावट पैदा कर रही है और हमारी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है। हालेलुया। तो आपकी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं होती हैं? क्यों आप प्रार्थना करते समय शांति का अनुभव नहीं करते हैं? क्यों आप प्रार्थना करते समय आनंद की अनुभूति को महसूस नहीं करते हैं? क्यों आप प्रार्थना करते समय उस आराधना का अनुभव नहीं करते हैं जो परमेश्वर चाहता है? जब हम स्तुति आराधना करें तो परमेश्वर कहता है कि वो आराधना ही है जो हमें शांति देती है, वो स्तुति ही है जो हमारे आनंद का दरवाजा खोलती है और हमें हर पल महसूस करवाती है कि यीशु ही मसीहा है और यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। वो आ चुका है आने, और परमेश्वर का पुत्र हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थनाओं में रुकावटें क्यों होती हैं? देखिए, परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, नया। हम अपने आप को महसूस करें कि हम नए हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं, हमें ये महसूस करना है, हमारा ये जो जीवन है ये अपना नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है, पवित्र जीवन है। हमें पूरी तरीके से निर्दोषता, निष्कलंकता और पवित्रता के साथ परमेश्वर ने हमें रचा है, बसाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें महसूस करना है। जब हम प्रार्थना करें तो हम महसूस करें आप कौन हैं। जब हम प्रार्थना करें तो आप महसूस करें कि आप कौन हैं, और जब आप प्रार्थना करें तो आप महसूस करें कि आप जिससे मांग रहे हैं वो कौन है, उससे आपका संबंध क्या है, वो क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है। क्योंकि जिस दिन आप उसे जान लेंगे कि जिससे आप मांग रहे हैं वो सर्वस्व है, सर्वशक्तिमान है, वो ज्ञाता है, रचयिता है, मुक्तिदाता है, भविष्य का देखने वाला है, भविष्य को बनाने वाला है, जीवनदाता है, जिसे हम मांगने वाले हैं, उस दिन आपको एहसास होगा। उस दिन, उस पल जब आप मांगेंगे तो आनंद ही आनंद आपके अंदर होगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्योंकि आप किससे मांग रहे हैं? जो सुनने वाला है। आप किससे मांग रहे हैं? जो आपकी हर जरूरत पूरी करने के लिए उत्सुक है, उतावला है वो। जब हम प्रार्थना करते हुए ये महसूस करेंगे कि वो जीवित परमेश्वर है, वो सुनने के लिए बेताब है कि मेरा बच्चा मुझसे क्या कहना चाहता है, वो चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं, वो चाहता है कि मेरा बच्चा मांगे और मैं उसकी प्रार्थना पूरी करूं, लेकिन वो साथ साथ ये भी चाहता है, ये भी चाहता है, जानना चाहता है कि मेरा बच्चा मांगता क्या है। वो परमेश्वर आपकी हर दुविधा को, आपकी हर प्रॉब्लम को, आपके हर प्रश्न का जवाब देने में सक्षम है, लेकिन आप कैसे मांगते हैं? हालेलुया। आप मांगते कैसे हैं? किस तरह से मांगते हैं? आप जब मांगते हैं तो कैसे महसूस होता है? आप किससे मांग रहे हैं? आप किससे बोल रहे हैं? आपका रिश्ता क्या है? आप कितने करीब हैं? हालेलुया। अगर आपने उसे अपना पिता मान लिया है,
तो आपको मांगने में ना झिझक होगी ना संदेह होगा कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूं। हालेलुया। और मिलेगा ही मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे देने वाला कौन है? मेरा पिता है। और वो मेरा पिता कौन है? सर्वशक्तिमान है। उसके भंडार में कोई कमी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। बाइबल कहती है कि उसने सब कुछ बनाया, जो दिखता है उसने दिखने वाली चीजों के द्वारा नहीं बनाया। प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत है, वो महान है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, और वो मेरा पिता है। हालेलुया। बोलिए, वो मेरा पिता है। अपने सीने पे हाथ रखिए, विश्वास करिए कि वो सर्वशक्तिमान। बोलिए, वो सर्वशक्तिमान, संसार का रचयिता मेरा पिता है। आमीन। फिर आप कौन हुए? आप उसकी पुत्री हुई। अगर वो राजा है तो हम कौन हुए? राजकुमार हुए। हम राजकुमारी हुए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर सर्वशक्तिमान सर्वरचयिता मेरा पिता है तो मैं अकेला नहीं हूं इस संसार में। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन देने वाला, हालेलुया, मुझे सुख देने वाला, मेरे लिए शपथ खाने वाला, वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी क्योंकि मेरा पिता मेरा चरवा है। मेरा पिता इस दुनिया को रचने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में कभी कभी रुकावटें आती हैं। कौन सी रुकावटें आती हैं? आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहली रुकावट जो ये है वो ये है कि हमारे हृदय में पाप होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे हृदय में कहीं ना कहीं पाप होता है। भजन संहिता 66 का 18, हम जब प्रार्थना करते हैं, देखिए बाइबल कहती है हमें स्वच्छ हृदय से संपूर्णता के साथ समर्पण के साथ हमें प्रार्थना करनी है, और विश्वास के साथ, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में पाप है तो आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। अगर आपके अंदर पाप है तो आपको संदेह होगा। अगर आपके अंदर पाप है तो आपको डर होगा। अगर आपके अंदर पाप है तो आप ये महसूस ही नहीं करेंगी कि आपकी प्रार्थना पूरी होगी, आनंद का अनुभव नहीं होगा। अगर आपके अंदर पाप है तो शांति का अनुभव नहीं होगा। अगर आपके अंदर पाप है तो, अगर आपके हृदय में पाप है तो जब आप प्रार्थना करेंगे आपको शांति महसूस नहीं होगी। अगर आपके हृदय में पाप है तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको शक्ति और आनंद का अनुभव नहीं होगा। आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि मेरी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो पाप है वो आपको परमेश्वर से दूर करता है। आपके अंदर जो पाप है वो आपकी शांति को चुरा लेता है, आपके अंदर डर पैदा करता है। हमें डर के प्रार्थना नहीं करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये नहीं सोचना है, हम जब प्रभु से मांग रहे हैं, पिता से मांग रहे हैं कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं। अगर प्रार्थना करते समय आपके अंदर आनंद है तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है और वो पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यही तो आनंद है, हमें मिला है। मेरा पिता सर्वशक्तिमान है और मेरी हर जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। यही तो आनंद है मेरे अंदर। इसलिए डर कैसा, संदेह कैसा? लेकिन संदेह और डर कौन लाता है? पाप। पाप। कैन ने भी परमेश्वर के लिए बोया और हाबिल ने भी बोया। कैन के आशीष को, कैन के जो दशांश था, कैन की जो ऑफरिंग थी
उसको परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हाबिल की ऑफरिंग को परमेश्वर ने स्वीकार किया। कैन नाराज हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, तो परमेश्वर ने क्या कहा, देखिए उत्पत्ति चार का साथ। देखिए ये बाइबल की पहली शिक्षा है जो परमेश्वर दे रहा है। बाइबल की पहली शिक्षा है जो परमेश्वर दे रहा है, ध्यान दीजिए। कैन का चार का साथ, उत्पत्ति चार का साथ, यदि तू भला करे हाँ जी, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। हाँ। और यदि तू भला न करे। हाँ? तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ। पाप तेरे द्वार पर, देखिए अगर आप भला ही नहीं करेंगे तो आपके द्वार पर पाप छिपा है। पाप आपके जीवन में आने वाला है, पाप आपके घर में आने वाला है, पाप आपके शरीर में आने वाला है। इसलिए प्रभु कहता है, मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है, ताकि हम लोगों के लिए काम आए, लोगों के लिए हम आशीष का कारण बने। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब तक भलाई करते रहेंगे पाप आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। आप जहां दूसरों के लिए गलत सोचेंगे पाप अंदर आ जाएगा। जब तक आपके अंदर भलाई होगी, जबकि आपके मन में किसी के लिए भलाई होगी, जब आप हमेशा सोचेंगे कि नहीं मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं, पाप आपके अंदर नहीं आ पाएगा। जहां आपके अंदर दूसरों की भलाई का जो विचार है आपके मन से निकलेगा, आपके अंदर स्वार्थ आ जाएगा, लालच आ जाएगा। क्या कहता है वो, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या कहता है, पहली शिक्षा बाइबल की परमेश्वर कैन को दे रहा है कि तू पाप पर प्रभुता ना कर। इसे आगे बढ़िए। तब कैन ने अपने भाई हैबिल से कुछ कहा। हाँ बस यहीं पर है, तो उस पर तू प्रभुता कर। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी शिक्षा है परमेश्वर की, हमें पाप पर, पाप हमारे ऊपर प्रभुता ना करे, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पाप पर तुझे प्रभुता करनी है, पाप तेरा कुछ ना बिगाड़े, पाप तेरे अंदर ना आए, तू पाप का दास ना बन जा। अगर तेरे अंदर से, तेरे जीवन से भलाई निकल गई तो पाप का दास बन जाएगा। है कैन, अगर तू भलाई करेगा तो क्या तू स्वीकार नहीं किया जाएगा। हेलो, ये शिक्षा परमेश्वर की हमारे लिए है, अगर हम भलाई करेंगे तो परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके मन में भलाई है परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। अगर आपके मन में स्वार्थ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, परमेश्वर आपसे, आपको स्वीकार नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए भजन संहिता 66 का 18 क्या कहता है कि हमारे हृदय में जो पाप है वो हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट पैदा करता है, क्योंकि जब तक वो पाप रहेगा हमारे अंदर, हम उस प्रार्थना में समर्पण नहीं ले पाएंगे। हम उस प्रार्थना को पूरी तरीके से परमेश्वर, वो प्रार्थना नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो हमारा पाप है उस प्रार्थना को रोकता है वो। पढ़िए बेटा 66:18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके मन में अनर्थ की बातें हैं, आप क्या सोचते हैं परमेश्वर आपकी बात सुनेगा? कैसे सुनेगा, क्योंकि उस तक वो बात पहुंच ही नहीं रही है। हेलो, ध्यान दीजिए। परमेश्वर के पास कौन सी बातें पहुंचती हैं? भलाई की बातें, पवित्रता की बातें। आमेन, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है।
हालेलुया। आप क्या समझते हैं? अगर आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं, मेरा पड़ोसी मेरा बहुत बड़ा दुश्मन हो गया, परमेश्वर इसको नाश करो, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं। आपका पड़ोसी भले ही वो आपका दुश्मन है, लेकिन आपका पड़ोसी आपके पिता का बेटा है। आप नहीं मानते हैं, वो तो मानता है। उसने आपको भी पैदा किया और आपके पड़ोसी को भी पैदा किया। अब आपका पड़ोसी उसको नहीं जानता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका पड़ोसी जाने। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप अगर अनर्थ बातें सोचेंगे, अनर्थ बातों पर विचार करेंगे, तो आपकी प्रार्थना ना सुनी जाएगी ना परमेश्वर तक पहुंचेगी। हालेलुया। कैन को उसने बोला कि तू भलाई की बातें करेगा तो क्यों नहीं तेरी सुनी जाएगी? तेरी बातें मैं सुनूंगा अगर तू भलाई करेगा तो, लेकिन अगर तू पाप करेगा, गलत करेगा, तो मैं तेरी बातें नहीं सुनूंगा। अगर तू पाप की बातें करेगा तो मैं तेरी नहीं सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब आप प्रार्थना करने बैठे परमेश्वर पिता से, तो एक तो सबसे पहले आप विश्वास करिए कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन अगर उस प्रार्थना में अनर्थ बातें हैं, गलत बातें हैं, गलत तरीके से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो और आप विश्वास करिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। यह परमेश्वर का चरित्र नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक कलीसिया में कौन सी बातें होती हैं? कलीसिया क्या है? एक पवित्रता, एक पवित्र घर है, यीशु मसीह की देह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर इस कलीसिया में, इस कलीसिया को अगर हम क्लब बना लें, लोग आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, तो क्या कलीसिया परमेश्वर के योग्य होगी? नहीं होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की देह है, इसलिए हमें परमेश्वर की उस कलीसिया, उस देह को आदर करना है। परमेश्वर तो चाहता है कि मेरा बच्चा प्रार्थना करे मुझसे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बुद्धि दे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी हर जरूरत को पूरा करे। परमेश्वर यह भी चाहता है कि आप मांगने से पहले वो आपकी इच्छा को पूरा करे। भजन संहिता 139 का 4 क्या कहता है? कि आपके मांगने से पहले ही उसके, आपके मुंह पे जो आने वाला था वो परमेश्वर को पता है। आपको इतना प्रेम करता है वो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है, मांग, यिर्मयाह 33 का 3, मुझसे प्रार्थना कर, मेरे करीब आ। क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है, प्रार्थना ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना के जरिए, क्योंकि प्रार्थना हमें दीन बनना सिखाती है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। क्यों कहते हैं कि प्रार्थना करने से पहले अपने हाथों को उठाइए? हाथों का उठाना समर्पण की निशानी है। घुटनों पे आइए, घुटनों का आना कि अपने आप को आपने पूरा खाली कर दिया। आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। कभी कहा गया है कि आप मंच, आप खड़े होकर 4 फुट की हाइट पर खड़े होकर प्रार्थना करिए? नहीं। जब तक आप प्रार्थना में दीन नहीं बनेंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो है परमेश्वर, वो स्वर्गों, स्वर्गों का, स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो सबसे ऊंचा है। वो भी दीन बनकर आया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दीन किया। यीशु मसीह दीन के साथ आया, दीनता के साथ आया इस धरती पर। उसने अपने आप को शून्य किया। उसने दुनिया को बताया, कुछ नहीं हूं मैं, आई एम नथिंग। हालेलुया। और आपके पापों को अपने ऊपर लिया। इसलिए बाइबल क्या कहती है?
प्रार्थना के जरिए मेरे करीब आ, प्रार्थना के जरिए अपने मेरा चरित्र अपने अंदर ले ले। हालेलुया। कैसे आप प्रभु को पाएंगे, कैसे प्रभु को पाएंगे? एक हम पढ़ते हैं ये वचन यिर्मयाह 33 का 3, उसके बाद एक और वचन बताता हूं मैं आपको। यिर्मयाह 33 का 3, मुझसे प्रार्थना कर, ये उसकी आज्ञा है। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, हमें किसी औरों के सामने हाथ नहीं जोड़ना है, हमें औरों के सामने नतमस्तक नहीं होना है, हमें उससे मांगना है। जो कुछ भी है उससे मांगिए, वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, वो आपके मन के विचारों को बदलेगा, वो आपके मन से पाप को निकालेगा, वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, दोबारा पढ़ो बेटा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हाँ, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर, हालेलुया, जो तू प्रार्थना करेगा मुझसे उसके अनुसार मैं तुझे कड़ी बड़ी बड़ी और कठिन बातें, कौन सी बातें जो आपके लिए कठिन है, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरा यह बिजनेस नहीं चल रहा, अब क्या होगा, प्रेज द लॉर्ड, मैं कैसे प्रभु के करीब जाऊं, मैं कैसे स्थिरता के साथ मसीह जीवन जीऊं, मेरा कैसे नौकरी चलेगा, प्रेज द लॉर्ड। कई कठिन बातें जो आपके लिए हैं, उसके लिए नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या कह रहा है, प्रार्थना कर और मेरे करीब आ, मेरे करीब, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर करीब हो सकते हैं। यिर्मयाह 29 का 13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढोगे। वचन क्या कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे। हम कैसे ढूंढेंगे प्रभु को, प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे, हम जब उससे कहेंगे प्रभु तुम उससे दूर मत जा, तू मेरे करीब रह, तू मुझे महसूस, मैं तुझे महसूस करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं तेरी सांसों को महसूस करूँ, तेरी धड़कन को महसूस करूँ, मैं महसूस करूँ कि मेरा पिता मेरे अंदर है, मेरा यीशु मेरे अंदर है, उसकी आत्मा को मैं महसूस करना चाहती हूँ। उसके लिए आपको प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, दीनता में आना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा अपने आप को। फिर वो कहता है कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढोगे। मेरी बच्ची, जब तू संपूर्ण मन से ढूंढेगी तेरा पिता तुझे मिलेगा, मिलेगा। और वो चाहता है कि मेरा बेटा मुझे, मेरी बेटी मुझे ढूंढे, प्रेज द लॉर्ड। हम संसार को जानने की कोशिश करते हैं, फ्रिज लेते हैं, फ्रिज को जानने की कोशिश करते हैं, ठंडा कितना होगा, बड़ा कितना होगा, ज्यादा ठंडा कैसे होगा, बर्फ कैसे जमेगी, आइसक्रीम कैसे जमेगी, ये कैसे जमेगी, इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है, यहां कहां रखेंगे सब्जियां, ये साइड की, हम हर चीज को जानने, लेकिन पिता को जानने की कोशिश नहीं करते। कभी आपने पूछा अपने मन से कि यीशु मसीह ने क्यों बलिदान दिया, क्यों उसने आप अपनी आत्मा आपके अंदर दी? हालेलुया। कोई दे सकता है? उसने एक ऐसी चीज हमें दी है, अपनी आत्मा, लेकिन हम वैल्यू नहीं करते। हमारे पास ऐसी सामर्थ्य चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। और वो आत्मा क्यों है? ताकि परमेश्वर का चरित्र हम में हो, ताकि परमेश्वर के मन का बोझ हम में हो, हम उस बोझ को पहचाने, हम उस बोझ को जाने। इसलिए आत्मा के फल जो परमेश्वर ने हमें दिए गलतियों 5:22-23 में, इसलिए वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझे ढूंढेगा और मैं तुझे मिलूंगा।
वो मिलना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने मन से पाप को निकाल दे, पाप को निकाल दे, पाप को निकाल दे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं और अगर आपके हृदय में मूर्तियां हैं, आपके जीवन में मूर्ति का मतलब समझते हैं, सिर्फ यही मूर्ति नहीं, आपकी मूर्ति कौन है? हो सकता है आपका जो धंधा है वो आपकी मूर्ति हो, आप उस धंधे को ही सोच रहे हैं, ये धंधा कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, यहां से पैसा कहां से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा, हालेलुया, इसमें कितने बंदे लगे हुए हैं, उसमें कितने बंदे लगे हुए हैं। अगर आप धंधे के बारे में सोच रहे हैं तो, और आपके धन में अंदर क्या है, धंधे की मूर्ति है, तो आप प्रभु को नहीं पा सकते, आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थनाएं हमें बताती हैं यहां कि हमें पूरी तरीके से खाली करना पड़ेगा अपने आप को, पूरी तरीके से। हालेलुया। पूरी तरीके से हमें खाली करना पड़ेगा अपने आप को। आपका बैंक बैलेंस हो सकता है 1 करोड़ हो, अगर आपका 1 करोड़ बैंक बैलेंस आपकी मूर्ति बन जाता है और आपको यह मान रहे नहीं यार 1 करोड़ बैलेंस है बस मेरा जीवन तो और मेरे बच्चों का जीवन चल जाएगा, आप गलत हैं, क्योंकि परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपका 1 करोड़ आपने 15 लाख 20 साल में कमाया हो, लेकिन अगर परमेश्वर का आशीष नहीं है मेरे भाई तो 1 मिनट में निकल जाएगा, 1 सेकंड में निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका 10 साल 25 साल की जो मेहनत है कहाँ चली गई। आज बैंक बंद हो गया है, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है, कितनों को हार्ट अटैक हो गया है। हालेलुया। जिनको हार्ट अटैक हुआ है अगर उनके सामने परमेश्वर उनका पहला स्थान होता तो डरते नहीं, आराम से कोई बात नहीं, ये बैंक बंद हुआ है होगा, परमेश्वर रास्ता दिखाएगा। क्यों डर गए, क्यों हार्ट फेल हुआ? क्योंकि उनके लिए उनकी पैसा ही उनके लिए सब कुछ था, उनको लगा कि अब मेरा पैसा अटक गया, अब मेरा जीवन कुछ नहीं है, अब मैं गया, इस बैंक ने मेरा पैसा ले लिया है, अब मैं गया, मेरे बच्चों का कुछ। ये सोचते ही एक दबाव आया हृदय पर, खत्म हो गया। लेकिन अगर आपके अंदर प्रभु है और आपका पहला स्थान आपका प्रभु है तो ये बैंक बंद हो गया, दूसरा बैंक बंद हो गया, आपके अंदर शांति का अनुभव होगा कि मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। शैतान आपको डरा नहीं सकता, कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए मुश्किल हो सकती है मेरे जीवन में क्योंकि मेरा पैसा अटक गया है। हालेलुया। उधर बैठा लिया, कुछ दिनों में मुश्किल हो सकती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बैठे बैठे बैठे। हालेलुया। लेकिन लॉन्ग रन में मेरा जीवन परमेश्वर के चरणों में है और मैं सफल हूं, मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं। पहला योहन्ना 5:4 पढ़िए, पहला योहन्ना 5:4। परमेश्वर हमें विजय उत्सव में ले चलता है, परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए कि हमारे जीवन में विजय हो, सफलता हो, शांति हो, आनंद हो। पढ़िए बेटा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है, कुछ भी हो जाए संसार को, आपकी शांति नहीं जाएगी क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पर है। और अगर आपका विश्वास आपके धंधे पर है, आपकी सर्विस पर है, आपके शरीर पर है, क्या होता है कभी कभी आपका शरीर बीमार हो जाता है और आप डर जाते हैं, अरे यार बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, घुटना टूट गया, डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने तक उठना नहीं है, आप डर जाते हैं, अब मेरी नौकरी चली गई,
मैं 6 महीने तक अगर नहीं जाऊंगा मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे साथ कोई और आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर आपका विश्वास यीशु पर है, अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है, तो विजय आपके साथ है। यस, ये मैं आपको यू ही नहीं कह रहा हूं, आपका दिल रखने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है, यीशु मसीह पर है, शैतान आपके जीवन में कतई काम नहीं कर सकता है। आपका आनंद, आपकी आपकी शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। इसलिए वो कहता है कि अगर तेरे जीवन में मूर्ति, तेरे हृदय में मूर्ति ने स्थान ले लिया है, तो तेरी प्रार्थनाओं में रुकावट है। परमेश्वर तक तेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। वो मूर्ति किसी भी रूप में हो सकती है। मूर्ति का क्या मतलब क्या हो कि परमेश्वर से ज्यादा आप किसी और को वो दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। हो सकता है आपका बच्चा आपकी मूर्ति हो जाए, आपका पति। आपका सोचते नहीं, पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पति को हमें इज्जत देनी है, बेटे को हमें इज्जत देनी है, बिल्कुल देनी है, प्यार करना है। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है, पति और बेटे से मिलवाने वाला मेरा पिता है। यस, मेरे बेटे को मुझसे मेरे पिता ने मिलवाया। 5.5 साल के बाद मेरा बेटा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पिता ने मुझे मिलवाया। तो आपके जीवन में, आपके शरीर में, अगर आपका काम आपकी मूर्ति है तो आप खतरे में, आपका धंधा आपकी मूर्ति है तो आप खतरे में। काम करना बुरा नहीं है, धंधा करना बुरा नहीं है, लेकिन आपके अंदर यह स्वभाव होना चाहिए, आपके अंदर यह विचार होना चाहिए, आपकी ये सोच होनी चाहिए कि नहीं, मेरा पिता मेरा सर्वस्व है, वो है तो मेरा धंधा है, वो है तो मेरे रिश्ते हैं, वो है तो मेरा बेटा है, वो है तो मेरा पिता है, वो मेरी है तो मेरी माँ है। हालेलुया, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। निधि वचन 28:9, कभी कभी हम वचन के साथ लापरवाही करते, हम लापरवाह हो जाते हैं। हम सोचते कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर ने हमें नया जीवन दे दिया है, अपनी आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है, हम ये सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन कभी कभी हम ये सोचकर वचन से लापरवाह हो जाते हैं। जो नियम है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो नियम है उससे लापरवाह हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास गाड़ी पुरानी है, 30 साल पुरानी गाड़ी है आपके पास, जंग खा गया उसको, इंजन भी पुराना हो गया है, सीट भी पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी गाड़ी है, और परमेश्वर ने उस गाड़ी को नया कर दिया, उसी गाड़ी को एक नया बना दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपके पास नई गाड़ी आ गई, नई सीट, नया इंजन, सब कुछ नया आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नियम तो वही है गाड़ी के, गियर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे पुरानी है चाहे नई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लच तो दबाना ही पड़ेगा, रेस तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने आपको नया जीवन दे दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि आप नियमों को भूल जाएं, आप उसके कानून को भूल जाएं कि नहीं, अभी तो मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, अभी तो मैं उसका पुत्र हो गया हूं, मुझे स्वर्ग जाने का लाइसेंस मिल गया है, उसकी आत्मा मेरे अंदर है, अब तो थोड़ा बहुत पाप भी चलेगा। नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, ये लाइसेंस नहीं, वचन के लिए अगर आपके मन में लापरवाही है तो आप आशीष नहीं पा सकते। क्या लिखा हुआ है 28:9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हाँ, जो अपना कान
प्रार्थना वचन सुनने से, व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। उसकी प्रार्थनाएं क्या होती है? घृणित हो जाती है। अभी तो आशीष मिल गई, चर्च जाते थे, अभी नौकरी मिल गई है, अभी धंधा भी चल रहा है, अरे यार संडे है यार, एक दिन चर्च नहीं जाएंगे तो क्या हुआ यार, वचन तो पता है हमको, बाइबल है ना। धंधे के लिए आप वचन से मुख मोड़ रहे हैं, नियम मोड़ रहे हैं, क्या होगा? वचन क्या कहता है कि व्यवस्था से मुंह मोड़ने के द्वारा आपकी प्रार्थना घृणित होती है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कहता है ये प्रार्थना तो कर रहा है, मेरे वचन पे नहीं चल रहा है, अपने धंधे को ज्यादा मान दे रहा है, ये प्रार्थना तो कर रहा है, मेरा नाम तो अपने मुंह से ले रहा है, लेकिन मेरे वचन पे नहीं चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपका बेटा, आपकी बेटी आपको रोज कहे मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, लेकिन आपकी बात ना माने, रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए, घर का जो नियम है उसके अनुसार ना चले, क्या बेटा कबूल होगा आपको? आकर बोले मम्मी लव यू, पापा आई लव यू, ना खाना आपका टाइम से खाए, ना सोए टाइम से, आपका घर का नियम है उसके अनुसार नहीं चले, बेटा चलेगा आपको? तो हमारी हम रोज प्रार्थना करें और काम वचन के अनुसार नहीं करें, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी, नहीं सुनी जाएंगी। क्यों हमारी जीवन में रुकावटें पैदा होती हैं, अशांति आती है, क्यों आती है? क्योंकि आपके घर में, आपके दिल में मूर्तियां हैं, आपके मन में पाप है, आप पाप से ज्यादा प्यार कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरी बहन, आपको यीशु मिला है, इससे बड़ा सौगात और कोई नहीं है। आपको नया जीवन मिल गया, इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा खजाना कोई नहीं है। ये शरीर 4 दिन का है ब्रदर, हालेलुया। अगर मेरे अंदर प्रभु नहीं है, अगर मेरे अंदर प्रभु नहीं है, मेरे अंदर यीशु नहीं है, अगर उसके वचन नहीं है, तो मेरा शरीर किसी योग्य नहीं है। अगर प्रभु का वचन मेरे अंदर नहीं है और मैं शरीर का सुख भोग रहा हूं, तो मुझ पर लानत है मुझ पर। क्यों? क्योंकि मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में काम नहीं करेगा। प्रभु चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे जीवन से, मैंने जो प्रॉमिसेस कहे हैं, उन प्रॉमिसेस को मेरा बच्चा अपने जीवन में होते हुए देखे। वो चाहता है। क्यों बोला उसने? प्रेज द लॉर्ड। क्यों बोला उसने? क्योंकि होने वाला है। आपने कभी सोचा है, अपने नबियों से परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाई? प्रेज द लॉर्ड। करवाई कि नहीं करवाई? उत्पत्ति से लेकर यीशु के आने तक क्यों करवाई? क्योंकि उन्होंने बोला होने वाला है। 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 100 साल में, 1000 साल में होने वाला है। पौलुस बोल के गया है, यीशु आने वाला है, उसने बोला है। प्रभु क्या कहता है? बोलो। अब इस बारीकी को समझो, बोलो। तुम इस पर्वत से बोलोगे तो ये उखड़ के समुद्र में गिर जाएगा। बोलो, इसलिए परमेश्वर ने बुलवाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
यीशु बोल के गया है, मैं जा रहा हूं और आपके लिए कमरे बनाने जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा आपके लेने के लिए। किसने बोला? यीशु ने बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अभी आता है, दो दिन के बाद आता है, दो साल के बाद आता है, 20 साल के बाद आता है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उसने बोला है तो वो आएगा। आएगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके मुख से निकली हुई हर वाणी सच्ची है। इसलिए अगर आपकी वचन की लापरवाही है आपके जीवन में, तो आपकी प्रार्थनाएं में रुकावट है, आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट है। वचन, अगर आपके जीवन में वचन की लाभ, क्यों धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है? बाइबल कहती है ना कि धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि धर्मी जन जो है वो वचन के हिसाब से चलता है, परमेश्वर को पूरा अंगीकार करता है, वो कोशिश करता है कि परमेश्वर हमेशा उसके अंदर रहे, उसकी पवित्रता उसके अंदर रहे, उसकी निर्दोषता उसके अंदर रहे, उसकी निष्कलंकता उसके अंदर रहे। आमीन। और ये चीजें हम सबके लिए हैं, सिर्फ पासवान के लिए नहीं है। हालेलुया। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करे, तो आपके अंदर, आपके अंदर ना डर होना चाहिए, ना पाप होना चाहिए, ना कोई मूर्ति होनी चाहिए। हालेलुया। और कभी भी जब आप प्रार्थना करें तो आपको संदेह के साथ प्रार्थना नहीं करनी। याकूब 1:16-17, प्रेज़ द लॉर्ड, 1:6-7, संदेह के साथ प्रार्थना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब संदेह करते हैं तो हम अपने रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब संदेह करते हैं तो हम अपने रिश्ते को कमजोर कर देते हैं, हमारा रिश्ता। अगर मैं आपका भाई हूं और मैं कहता हूं बहन मैं कल आ रहा हूं आपके यहां, शाम को आऊंगा, और उसके बाद मैं ये पूछूं बहन मुझे चाय मिलेगी, इसका मतलब मैं आपको बहन गलत पूछ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरी बहन है, मैं अपने घर जा रहा हूं, मुझे वहां चाय मिलेगी, जो मांगूंगा मुझे मिलेगा, जो आप दे सकते हैं आप मुझे देंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप मेरी बेटी हैं, मैं अपनी बेटी घर जा रहा हूं। अगर मैं पूछता हूं पूजा तू बेटे पानी पिलाएगी ना मुझे, तो फिर बेटा कहने का मतलब ही नहीं है। अगर मैं संदेह करता हूं कि प्रभु ये मिलेगा ना मुझे, तो इसका मतलब मेरा जो रिश्ता है प्रभु से कमजोर है। और या फिर आप जानते हैं कि जो आप मांग रहे हैं वो गलत है। हेलो, या आप जानते हैं कि जो मैं मांग रहा हूं है तो गलत, लेकिन एक बार मांग लेता हूं, प्रभु से मांग लेता हूं, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपने कहा है कि मैंने अपने पिता से मांगा, जो मांगा है मुझे मिलेगा, मेरा बर्थडे आ रहा है पापा मुझे ड्रेस चाहिए, मिलेगा, वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। लेकिन अगर आप अपने पिता से बोले पापा आप उससे प्यार करते हो, हाँ जी प्यार करता हूं, मेरा बर्थडे आ रहा है मुझे 9 लाख का हार दो, 9 लाख का हार दो मुझे, प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा मैं तेरा पिता हूं लेकिन नहीं दे सकता। और फिर आप पूछेंगे पापा मुझे दोगे ना, क्योंकि आप संदेह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अंदर से जानते हैं कि नहीं नहीं मैं गलत मांग रही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, अगर आप संदेह कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कहते हैं पिता परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपके वचनों को और समझूं,
मैं आपके वचनों को और मनन करूं, मेरे अंदर आलस निकाल दीजिए, मेरे अंदर बोझ पैदा करिए कि हर समय मुझे वचन पढ़ने का बोझ हो, आत्मा में मुझे प्रार्थना करने का बोझ हो, तेरे करीब रहने का बोझ हो, हर पल हर क्षण मुझे बोझ हो कि मैं आपके करीब रहूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप करिए प्रार्थना, देखिए परमेश्वर कैसे आपका साथ देता है, कैसे देगा, और आप देखिए आपको कैसे सशक्त, आपको अंदर कैसी शक्ति का अनुभव होता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए आप काम में भी आपको ऐसी बुद्धि मिलेगी, आप जहां जाएंगे आपकी विजय होगी। लेकिन संदेह नहीं, क्या लिखा है जेम्स का, याकूब की पत्री 1:6-7, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। हाँ, पर विश्वास से मांगे और कुछ भी संदेह ना करें, 1% भी संदेह नहीं होना चाहिए। हम प्रभु से मांग रहे हैं, हम प्रभु को, प्रभु के चरणों में अपने बच्चे को समर्पित कर रहे हैं। प्लीज, अगर आप में से किसी ने अपने बच्चे को डेडिकेट नहीं किया है चर्च में प्रभु के सामने, तो प्लीज डेडिकेट करिए, सौंपिए परमेश्वर को। अगर आप अपने बच्चे का हाथ उसके हाथ में देना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपके बच्चे पर उसका साया हमेशा रहे, डेडिकेट करिए अपने बच्चे को। अगर आपने नहीं किया, किए, मैं अपने डेडिकेट करता हूँ अपनी बच्ची को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को प्रभु के चरणों में। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस संदेह के दायरे से अपने आप को निकालिए। शैतान आपके मन में संदेह लेकर आता है, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा पवित्रता के साथ, निर्दोषता के साथ मेरे सामने खड़ा हो। हालेलुया। कोई दीवार पीछे नहीं है, कोई दीवार बीच में नहीं है। मेरे यीशु ने मुझे पिता के सामने खड़ा करने के योग्य बनाया है। मैं मांग सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप यीशु के द्वारा पर पिता के सामने जाएंगे, आप में यीशु देखेगा वो। इसलिए यीशु को अपने अंदर रखिए और संदेह मत करिए। आप जो मांग रहे हैं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपकी इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन संदेह करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या लिखा हुआ वचन में? क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आमीन। जो हवा से बहती और उछलती है। हवा कहां से आती है, कहां जाती है, पता आपको? आप हवा को महसूस करते हैं। बाइबल कहती है जिस तरीके से आप हवा को नहीं जानते कि हवा कहां से आती कहां जाती है, उसी तरीके से आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, और हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाएं, उसकी आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिताएं। इसलिए हमें अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करना है। जो तैराक, तैरने वाला पानी पर अपने आप को समर्पित कर देगा, वो कभी नहीं डूबेगा, कभी नहीं डूबेगा। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं और अपने पानी पर अपने आप को पूरी तरीके से सीधा लिटा दीजिए, आपको नहीं आती ना स्विमिंग, कुछ मत करिए, सीधा अपने आप को समर्पित कर दीजिए, आप कभी नहीं डूबेंगे। लेकिन अधूरे मन से जाएंगे, संदेह करेंगे, आप डूब जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। संदेह नहीं करना हमको। हम पिता के पास आए हैं, हम जो मांग रहे हैं वो दे सकता है, और हम जो मांग रहे हैं वो हमारा हक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पिता मेरे बच्चों को रोटी दे, मेरा हक है। मेरा पिता मुझे सेहत दे, मेरा हक है। मुझे आशीष दे, मेरा हक है। मुझे कर्जों से मुक्त कर, मेरा हक है। लेकिन उसके साथ वचन के अनुसार
जब आप चलेंगे मेरी बहन, आपकी प्रार्थनाएं ऐसे पूरी होंगी। बिल्कुल, प्रभु के वचन के अनुसार चलने की आदत डाल लीजिए, संसार आपको रोकेगा। सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जो आपको कभी कभी झूठ बोलना पड़ सकता है, कभी कभी शैतान बताएगा नहीं नहीं नहीं, आपको लगा कि नहीं यार झूठ बोले यार, कभी कभी धोखा दे सकते हैं, नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी कभी दो पैसे बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, 1,000 रुपए बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, 2,000 बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। नहीं मेरी बहन, कभी नहीं, कभी नहीं। हालेलुया, देने वाला प्रभु है। हम उसके सामने अपने आप को दूषित ना करें, हम अनर्थ बातें अपने मन में लाकर उसके सामने ना आए, क्योंकि वो पाप से बहुत नफरत करता है, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हेलो, पानी पी गया हो? चलो, प्रेज द लॉर्ड। वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए अगर आपके अंदर पाप है, अलर्ट हो जाइए, निकालिए उसको, निकालिए। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको निकालिए, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, तभी उसकी शक्ति आपके जीवन में काम होगी। अंधेरा शैतान का है। मैं जब बॉम्बे में आया तो मेरी मम्मी ने एक चीज मुझे बहुत सी सिखाई थी। हालेलुया। मैं बॉलीवुड में आया था हीरो बनने के लिए और फिल्मों में काम करता था। मम्मी बोलती थी, बेटा जिस काम को करने में तुझे सबके सामने शर्म आए, इसका मतलब वो गलत है। मैं प्रभु को नहीं जानता था। अगर तुझे सबके सामने जो काम करने में शर्म आती है, या तुझे लगता है कि नहीं काम मैं सबके सामने नहीं कर सकती हूं, इसका मतलब वो गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अकेला रहता था। आपको सिगरेट पीने नहीं, नहीं, मम्मी के सामने सिगरेट नहीं पीनी, या मम्मी के सामने विस्की नहीं पीनी, या किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ना। अगर आप मम्मी के सामने पकड़ सकते हो तो अच्छी काम, अच्छा बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो वो काम गलत है, मत करो वो काम। क्योंकि अंधकार किसका घर है? शैतान का घर है। पढ़िए यहूदा का 6। यहूदा का 6, अंधकार किसका घर है? हेलो बोलिए, शैतान का घर है। यहूदा का 6 बोलिए, लास्ट में है, प्रकाशित वाक्य से पहले। फिर जिन स्वर्गदूत ने अपने पद को स्थिर न रखा, हाँ, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, हाँ, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए, हाँ, अंधकार में जो सदा काल के लिए है, बंधन में रखा है। किसने रखा है? आमेन। कहाँ रखा है? हेलो, कहाँ रखा है? अंधकार में। शैतान का घर कहां पर है? इसलिए गलत काम कहां पर होते हैं? अंधकार में। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है अपने अंदर से अंधकार को निकालो। अगर हमारे अंदर अंधकार है तो शैतान आ सकता है। अंधेरा दूर करो अपने अंदर का, अच्छी संगति में आओ। अगर आपको लगता है कि आपका शैतान, जो शैतान है वो आपको डरा रहा है, वो आपको अकेले में आपको गलत विचार लेकर आता है, अकेले मत रहो, अच्छे विश्वासी के साथ रहो, अच्छी संगति में रहो, प्रभु की बातें करते रहो, इसको प्रैक्टिस बना लो, ताकि अंधकार, वो शैतान तुम्हारे जीवन में काम ही ना करे, वो आए ना। क्योंकि प्रभु की बातें जब होंगी, जब आपके अंदर ज्योति होगी, जहां इश्यू होगा वहां ज्योति है। हालेलुया। अगर आपको लगता है
कि मैंने ने अकेले हूं तो मुझे शैतान इजीली मुझे भरमाता, मेरे मेरे जीवन में गलत बातें, मेरे दिमाग में गलत सोचें आती हैं। अकेले मत रहो, किसी ऐसे भाई बहन के साथ रहो जो विश्वासी है और जो आपके करीबी है, उसके संग रहो जाकर एक घंटा दो घंटे, उसके संग बात करो, हेल्प करो, वचन की बात करो, प्रभु की बात करो। आहिस्ता आहिस्ता आपको परमेश्वर शक्ति देगा। इसलिए परमेश्वर, देखिए बाइबल में यीशु मसीह संगति पे बहुत जोर देते थे। 3.5 साल तक जब तक उन्होंने सेविकाएं की, अपने घर में नहीं रहे, चेलों के संग रहते थे, वचन की बात करते थे। 24 घंटे वचन और प्रार्थना ही उनके जीवन का देह था। प्रेज़ द लॉर्ड। गलत चीजें आपका मोबाइल में आती है, मोबाइल फेंक दो, नहीं चाहिए मुझे मोबाइल। मोबाइल आप कर रहे हैं, कोई गलत चीजें आ गई, इमीडिएट उसको हटाओ, प्रभु से मांगो प्रभु मुझे शक्ति दो। क्योंकि वो जो पिक्चर्स हैं जो आप एक बार देख लोगे मोबाइल पर, वो दिमाग में छप जाएगी, फिर कभी भी आप अकेले होगे वो चीज आ जाएगी, ध्यान में लाएगा शैतान। गलत बातें, गलत सोच, गलत चित्र, गलत काम। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी साइंस तरक्की कर रही है, हमें अपने आप को बहुत कंट्रोल करना है, बहुत कंट्रोल करना है। मोबाइल कैसे यूज करना है, व्हाट्सएप फेसबुक कैसे यूज करना है, हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को ध्यान दें। प्रभु की बातें ही होनी चाहिए। याकूब की पत्री 4:3, गलत उद्देश्य। परमेश्वर कहता आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, आपका उद्देश्य। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? आपके उद्धार के लिए। उत्पत्ति 3:15 में उसने आपके उद्धार की योजना बनाई, उसने बता दिया कि मेरा उद्देश्य क्या है। और आप देखिए प्रकाशित वाक्य तक वो अपने उद्देश्य पे चला है, उसका मेन मकसद है वो बताए कि मैं कौन हूं, मैं तुमसे क्या चाहता हूं, कौन सा जीवन तुम्हें जीना चाहिए, सब चीजें वो बताता है, सब चीजें। हालेलुया। तो आपका जब उद्देश्य है वो गलत ना हो। आज जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? कभी कभी हमारा उद्देश्य गलत हो जाता है, मुझे आशीष मिले, मेरे जीवन को आशीष मिले, मुझे सुख मिले, मेरे बच्चों को सुख मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। गलत है उद्देश्य। क्या कहते हैं बेटे 4:3? तुम मांगते हो और पाते नहीं। तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं। बहुत दुख है उसको याकूब का कि तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो, दुखी है वो। क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका उद्देश्य गलत है। आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। हमने काफी दिन पहले एक थर्मामीटर मंगाया था, थर्मामीटर, लेकिन वो चला नहीं, बीच में खराब हो गया। तो कल हमने एक और थर्मामीटर मंगाया, तो जो थर्मामीटर हमने पहले मंगाया था वो बिल्कुल वैसे नए के नया रखा हुआ था। और जब हमने नया मंगाया तो बिल्कुल, अगर मैं नया लेकर वो पुराना उसको दे देता तो वो नहीं कर पाता कि हाँ साहब, मैं कहा नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, रिटर्न कर देता। शैतान ने मेरे मन में बात डाली, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको भैया ये पुराना है, ठीक नहीं है, इसको चेंज कर सकते हो? नहीं। ओके, जाइए। आपका उद्देश्य क्या है? जीवन को आप किस नजरिए से देखते हैं? कलीसिया को आप किस नजरिए से देखते हैं? किस आत्मा के द्वारा आप कलीसिया में रहते हैं, बैठते हैं? वचन जब आप लेते हैं तो आपका नजर, आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपका उद्देश्य यह है कलीसिया आने का कि लोग जाने कि मैं पवित्र हूं, मेरा परिवार जाने कि ना हाँ बस मैं कलीसिया जाती हूं,
लोग आजू बाजू जाने कहाँ जा रहे हैं? कलीसिया जा रहे हैं। अरे यार औरत अच्छी है, ये भाई तो अच्छे हैं यार, संडे के संडे कलीसिया जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। लेकिन आपके मन में क्या है? लोगों को दिखाऊं बाद में गलत काम हो। हालेलुया। अगर मैं गलत काम करूं तो कोई समझे नहीं, तो कोई शक ही ना करे क्योंकि मैं तो कलीसिया जाती हूं। हालेलुया। कलीसिया आने का आपका उद्देश्य क्या है? अपनी उन्नति या परमेश्वर के राज्य की उन्नति? मेरी उन्नति हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरा धंधा चले, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा बिजनेस चले, मेरी जो जमा पूंजी है बढ़ती जाए, मेरा 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 मेरा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने चुना है और मुझे यीशु ने खरीदा है अपने लहू से, मैं उसके काम आऊं, मैं जो वचन सीखूं मैं दुनिया को बताऊं, अपने तक ना रखूं, तब आप जब जब आपका उद्देश्य ऐसा होगा कि जो आप सीखें वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपको ऐसा आशीष देगा, ऐसी आपकी बुद्धि खोलेगा, और जब आप बोलेंगे तो पवित्र आत्मा आपके साथ आपकी अगुवाई करेगी। अगर आपका उद्देश्य कलीसिया आने का, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी है, ये सारी चीजें आपके पीछे होंगी। खाना पीना रोटी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरी बहन। आप लोग फिजूल में वैल्यू समझते हैं इसकी, खाना क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या, कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। आज हमारी बच्ची नेहा का बर्थडे है, प्रेस द लॉर्ड, उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन कौन कौन बहन अपने आप लेकर आ गए। हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड, कोई सूट लेके आ गया, किसी ने पैसे दे दिए, किसी ने कुछ कर दिया, क्या है ये? क्यों? कलीसिया की बच्ची है, कलीसिया में मेहनत कर रही है, उसको देख रहे हैं, उसका चरित्र देख रहे हैं। मेरी आप बात समझे, आप प्रभु के राज्य में आगे बढ़िए, परमेश्वर आपकी हर कमी घटी को पूरा करेगा। आप मत मांगिए, आप मत सोचिए कि मेरा भविष्य कैसा होगा, आप यह सोचिए कि मैं परमेश्वर का कैसे काम करूं, परमेश्वर के योग्य कैसे बनूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं ये कीवर्ड है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए सोचना शुरू करिए, कैसे मैं अपना जीवन दूं, मुझे परमेश्वर के लिए जीना है। प्रेज द लॉर्ड। आपका उद्देश्य क्या है? प्रेज द लॉर्ड। आपका उद्देश्य क्या है? आपका पति शराब पीता है, आपका पति आपको मारता है, आप चाहते हैं परमेश्वर मेरा पति आपके चरणों में आ जाए, कम से कम शराब तो ना पिए, मुझे मारे तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आपका उद्देश्य क्या है? कि आप अपने पति को ठीक करना चाहती हैं अपने लिए। आपका उद्देश्य क्या है? कि नहीं, मेरा पति परमेश्वर में आए और वो आपकी सेवा करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपका उद्देश्य सही होगा मेरी बहन, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मेरी बहन, अपने बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। उद्देश्य आपका क्या है? यीशु का उद्देश्य था कि अपने पिता को दुनिया के सामने प्रेजेंट करूं। वो मरते मरते प्रेजेंट करता गया, बोलता गया, मेरा पिता कौन है, क्या है। एक भी अगर आप 3.5 की देखिए, आप 3.5 साल की अगर सेविकाई में देखेंगे, अगर 4 सुसमाचार की किताबों को अगर आप देखें, आप मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इस चारों किताबों को अगर देखें तो इसमें 89 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 89 अध्याय हैं। 89
और सिर्फ चार अध्याय ऐसे हैं जो यीशु मसीह के बचपन को रिवील करते हैं, बाकी 85 अध्याय ऐसे हैं जो 3.5 साल की सेविकाई को रिप्रेजेंट करते हैं। चार अध्याय ये हैं जो सिर्फ बचपन को रिवील करते हैं, बाकी 85 अध्याय ऐसे हैं इन चारों सुसमाचार में। प्रेज़ द लॉर्ड। और 8 दिन, अंतिम 8 दिन ऐसे हैं जो 27 अध्यायों में 8 दिन को बताया गया है। उद्देश्य क्या है? आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का जन्म से जन्म के इंपॉर्टेंस से ज्यादा उसका मरना और मर के जिंदा होना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से वो मरा और मर के जिंदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका उद्देश्य क्या है? आज जब वचन सुना रही हैं, जब वचन पढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? अगर आपकी प्रार्थना है कि नहीं, जब पास्टर बोले और मैं वचन पढ़ूं तो लोगों के दिल को छू ले वो वचन, हालेलुया, मैं इतना साफ पढ़ूं, मेरा एक एक शब्द ऐसा हो प्रभु मोती जैसा हो, एक एक शब्द मेरा मोती जैसा हो, जब मैं पढ़ूं प्रभु तो सबकी समझ में आए। क्या पढ़ने से पहले ये प्रार्थना की आपने? क्या ये उद्देश्य है आपका? प्रचार करने से पहले क्या मेरा उद्देश्य यह है कि लोगों के मन को परमेश्वर अपने वचन से भर दे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरे अंदर वो बोझ है? क्या मेरे अंदर वो तड़प है? मेरा उद्देश्य क्या है कलीसिया में? वचन सुनाने में मेरा उद्देश्य क्या है? आप दान दशांश देते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपके अंदर वो तड़प है कि मुझे 5,000 मिले महीने के, धन्यवाद, और पहले ही 5,000 में 500 मैंने नहीं प्रभु को मैं दूं, हालेलुया। आपके अंदर वो तड़प, आप इंतजार कर रहे हैं अपनी पगार का कि मेरी पगार आए और मैं कैसे पहला दशांश प्रभु के लिए निकालूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी सोच क्या है? आपका देने का तड़प क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? Praise the Lord. अगर तो आपका ये उद्देश्य है कि चलो पैसा आ गया, ठीक है, अभी मैं ये खर्चा पूरा कर लूंगा, ये खर्चा दूंगा, उसको देना है, बचेगा तो प्रभु के लिए दूंगा। नहीं मेरी बहन, पहला स्थान प्रभु को दीजिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसने यही नहीं कहा है वचन के खजाने खुल जाएंगे, सर के झरोके खोल देगा। मेरे जीवन में मैं महसूस करता हूं, मुझे कहीं से कुछ भी आशीष मिलता है, पहला दशांश प्रभु को, पहला आशीष। कभी भी आप ये करके देखिए, कितना भी मिले, 20 रुपए मिले कोई बात नहीं, 20 पैसे प्रभु के, नो, प्रभु देखिए कैसे आपकी सुरक्षा करता है, कैसे आपको उन्नति करता है। वो 90% जो बचे हैं वो आपके हैं, उसके लिए प्रार्थना करिए, उसमें आशीष दो परमेश्वर। आप देखिए, जो लोग 40,000 कमाते हैं ना, आपका पैसा खर्च नहीं होगा, आपको आशीष मिलेगा। आप दे कैसे रहे हैं? आपका ऑफरिंग बैग आ रहा है तो आपके मन में क्या हो रहा है? अरे ये ऑफरिंग बैग आ गया यार, अभी सबके सामने है, देना पड़ेगा यार। नहीं, आपका ऑफरिंग बैग आता है, आपको पहले ही निकाल के रखना है, अपनी मुट्ठियां बांध लेनी है, अपना बीज मैं बोने के लिए तैयार हूं प्रभु के राज्य में, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं कि ऑफरिंग बैग आ जाए उसके बाद आप निकालें, उसके बाद देखें कि सबसे छोटा नोट कौन सा है, उसके बाद डालें, नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। आप देखिए,
आप अपने जीवन में क्या पाएंगे आप सोच नहीं सकते हैं। आपकी बरकत क्या होगी आप सोच नहीं सकते हैं। आपकी बचत कैसे होगी आप सोच नहीं सकते हैं। मैं जब बॉलीवुड में था बहुत लाखों रुपए कमाए मैंने, एक पैसा नहीं बचा। 2005 तक मेरे बेटे का एक अकाउंट नहीं था 100 रुपए का। जब प्रभु में आया मैंने पहली बार बेटे का अकाउंट खोला और प्रार्थना की। मुझे पता नहीं था कि बचत होती कैसे है, लेकिन जब प्रभु में आया और मैं परमेश्वर ने देना सिखाया, बचत ही बचत, बचत के ऊपर बचत, बचत के ऊपर बचत। आप सोच नहीं सकते इतना महान परमेश्वर है वो। हम उसे नहीं दे रहे हैं, वो हमें देता है तो हम उसे दे रहे हैं। अगर हम ये सोचते हैं मैं दे रहा हूं तो आप गलत सोचते हैं। वो आपको आशीष दे रहा है और वो चाहता है कि आप आशीषित रहें। इसलिए वो कहता है बो, मेरे राज्य में बो। मैं कभी भी किसी को कंपेल नहीं करता हूं देने के लिए, आप जाने प्रभु जाने, लेकिन देना बहुत जरूरी है। आपके लिए आशीष का कारण है, आपको आप उस आशीष को महसूस करेंगे अपने जीवन में, करके देख लीजिएगा। हालेलुया। इसलिए उद्देश्य आपका क्या है? अगर आपका उद्देश्य सही है, कलीसिया आने का, बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, सुसमाचार सुनाने का, अगर आपका उद्देश्य सही है, आपकी सफलता निश्चित है, आपकी शांति निश्चित है, आपका आनंद निश्चित है। आपका उद्देश्य क्या है? गलत उद्देश्य नहीं, हमें अपने मन में किसी के लिए गलत लाना ही नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी रिश्ता हम ऐसा ना बनाएं जिसमें हमारा स्वार्थ हो। मैं हम एक दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, हमें ये सोचना है। Praise the Lord, हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है? Praise the Lord। इसलिए जब आप प्रार्थनाएं करें तो प्रार्थनाओं में, जब आप प्रार्थना करें तो पाप निकालिए, मूर्ति निकालिए, संदेह निकालिए, वचन को पढ़िए और गलत उद्देश्य से प्रार्थना मत करिए। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देगा।